जब अत्यधिक भूख लगे जिम से पहले, बर्दाश्त के बाहर हो तो प्री वर्कआउट के साथ यू कैन हैव 1 से 2 केले या गुड टू गो फॉर 1 घंटा 1.5 घंटा। और अभी सर्दियां चल रही हैं, बहुत सारे लोगों की बल्किंग चल रही होगी, मेरी भी चल रही है। सर्दियों में हम ऑब्वियसली गर्मियों से अगर कंपेयर करें तो ज़्यादा कैलोरीज खाते हैं, दिन भर आपकी बॉडी शिवर करती रहती है। इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस हीट आपकी बॉडी को ज़्यादा कैलोरी लगती है, जितनी ज़्यादा बॉडी शिवर कर रही है उतनी जल्दी आपकी एनर्जी भी बर्न हो रही होती है, जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको गर्म रखती है बॉडी। इसलिए हमको बहुत फ्रिक्वेंटली सर्दियों में भूख लगती है, ये सिंपल सा रीज़न है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही ओट्स खाया था और अब मुझे इतनी तेज भूख लगी है कि मैं जिम में जाकर अगर एक्सरसाइज करता तो सही से कर नहीं पाता। अब प्री वर्कआउट जिम में ही खाएंगे। आज है लोअर बॉडी स्प्लिट, जहाँ पे क्वाड्स को अच्छे से सोर करेंगे, हैमस्ट्रिंग को, काफ को, टिबियालिस एंटीरियर एंड और क्या रहेगा, ग्लूट्स। चीयर्स। ये पता नहीं किसका विस्की का ग्लास है जिम में, मैं इसमें प्री वर्कआउट पीता हूँ। विस्की ग्लास है ना ये, मुझे नहीं पता। लाओ किसी के सवाल का जवाब दे देते हैं जब तक ये ख़त्म हो रहा है, आधा ही बचा है। कमेंट में जाता हूँ मैं और वहाँ पे से आप में से ही किसी ने सवाल पूछा है, कोई सा भी एक सवाल लेते हैं और उसका आंसर करते हैं। भैया एक जॉर्डन दे दो प्लीज़। भैया व्हाट इज़ अमीनो एसिड पूलिंग, आजकल लोग इसके नाम पे बेसन खिला रहे हैं। नो नीड ऑफ कोच व्हेन यू आर देयर टू फुलफिल अवर जिम गाइडेंस। धन्यवाद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाउ मैनी एक्सरसाइज सफिशियंट फॉर ट्रेन वंस पर डे। क्या भाई अपनी अर्ली 20 में हूँ, क्या मैं सिर्फ घर के खाने पर रिलाई कर सक। घर के खाने और बाहर के खाने में क्या मतलब, आप ये सवाल मुझे बहुत बार आते हैं, क्या मैं घर के खाने से बॉडी बना सकता हूँ। घर का खाना बेसिकली है तो वही प्रोटीन का फैट। घर का खाना बन किस तरीके से रहा है इस चीज़ को आपको फिक्स करना है। घर के खाने में कमी किस चीज़ की है बस इस चीज़ को आपको फिक्स करना है। जिस चीज़ की कमी है उसको सप्लीमेंट करो, वो चीज़ फिक्स हो जाएगी। और घर का खाना भी एक हाईली न्यूट्रिशियस फूड बन सकता है। आप देखो आपका घर का खाने का बनने का तरीका क्या है, क्या वो बहुत ज़्यादा ऑयली है, बहुत ज़्यादा शुगरी है, उन सब चीज़ों को हटाओ। किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की कमी है तो उसको सप्लीमेंट करो, बहुत अच्छी बॉडी बनेगी, बहुत अच्छी बॉडी। आपको कोई ऐसी ब्रोकली टाइप की डिश पे जाने की ज़रूरत नहीं है जो बाहर के लोग खाते हैं। गोरे जिन चीज़ों के लिए मरते हैं ना, हमारे पास वो ऑलरेडी है। हम व्यस्त हैं अपने फिश ऑयल में, हम व्यस्त हैं अपने ऑलिव ऑयल, बाहर के ऑलिव ऑयल में। हमको पता नहीं है कि देसी शुद्ध घी गाय का बना, गाय के दूध से बना, A2 घी की बात कर रहा हूँ मैं, जो सच में देसी घी है, A2 घी, उसके कितने फ़ायदे हैं। और ये सब चीज़ें बाहर से हमारे दिमाग में डाली गई हैं। ये तो तुम्हारा इंडियन फूड है, ये आलू की सब्ज़ी, रोटी और दाल चावल, इससे थोड़ी बॉडी बनेगी। हम आपको खाना पड़ेगा ब्रोकली, ग्रिल्ड चिकन, बॉइल्ड मटन, नो डाउट वो भी वही कर रहे हैं, अपना प्रोटीन इंटेक पूरा कर रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट के लिए वो टॉर्टिला और रैप पता नहीं क्या क्या खाते हैं, और सीरियल्स खाते हैं खूब सारे। फैट के लिए वो फिश ऑयल खाते हैं। तो हमारे में क्या गलती है, हम मान रहे हैं हमारे इंडियन फूड में, वेजिटेरियन फूड में प्रोटीन की कमी रहती है, सप्लीमेंट करो उसको, ठीक है, अलग से ऐड करो। अगर इंडियन इंडिया में रह रहे हो, नॉन वेजिटेरियन हो, तो आप चिकन, फिश, एग, मटन, इससे तो अपना प्रोटीन इंटेक पूरा कर ही ले रहे हो। बस देखो कि बनाने का तरीका क्या है, प्रोसेसिंग कैसे हुई है। बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड है तो समस्या है, चाहे वो फिर बाहर का खाना हो चाहे घर का खाना हो। अरे यार सब नीचे बैठ गया प्री वर्कआउट बात करने के चक्कर में। प्री वर्कआउट और जितने भी तमाम सप्लीमेंट मैं यूज़ करता हूँ, नीचे वेबसाइट है, मेरा कूपन कोड है, मेरे को सपोर्ट भी कर देना आप यूज़ करके। उस वेबसाइट से जो जो आपको लगते हैं आपकी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से और आपके नीड के हिसाब से, जिन जिन सप्लीमेंट्स को आपकी बॉडी की नीड है, आपकी बॉडी को नीड है जिन जिन सप्ली, क्या बोल रहा हूँ मैं आज, ठीक है, वो सप्लीमेंट्स आप ले सकते हो। और सबसे पहले ना वे प्रोटीन लो, ठीक है, अगर ले रहे हो तो वे प्रोटीन लो। जिन लोगों को बताया जाता है ना, जो मैं नहीं नहीं BCAA भी ले लेती तो, मल्टी विटामिन भी ले लेती तो, उधर से मास गेनर भी ले, नहीं नहीं नहीं,
आपके पास पैसा है तो सबसे पहले वे प्रोटीन लो, क्योंकि प्रोटीन की ही कमी आमतौर पर देखी जाती है। बाकी बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स तो आप फूड से पूरा करने के काबिल हो, कर सकते हो। और किसी की कमी है तो वो हो सकते हैं, जहाँ तक मुझे लगता है, D3 और कैल्शियम। एक बार इनके लेवल्स भी चेक करा लेना डॉक्टर के पास अगर लगता है ऐसा कुछ। यार सही है, सही था। तो पहली एक्सरसाइज लेग प्रेस है, उसमें मैं काला दिख रहा हूँ क्या? तीन प्लेट इधर है, 20-20 की। और ये मेरा पहला सेट है, शायद मैं 4 या 5 सेट लूँ, और इसमें 10 रेप के आसपास। ज़्यादा नहीं मारूंगा, क्योंकि ज़्यादा जब वेट होगा तो मैं कोशिश करूंगा उस समय के लिए एनर्जी बचा रहा हूँ। 8 से 10 रेप वापस से। अभी जाके पंप आने लग गया है, लेकिन फेलियर नहीं आया। तो ये जो लेग प्रेस है ना, ये 45 डिग्री लेग प्रेस है। एक 90 डिग्री आता है जिसमें पूरा ही नीचे खड़े हो, पूरे ही नीचे घुस के आप लेग प्रेस करते हो, एकदम 90 डिग्री, पूरा वेट ऊपर रहता है, उसमें वेट आपका कम लिफ्ट हो पाता है। इसमें अभी मैंने 5 प्लेट इधर 5 प्लेट इधर, 200 किलो गया, इसके पहले 160 का था। लेकिन ये 200 किलो पूरा का पूरा एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है, कम वेट हो रहा है कंपैरेटिवली, अगर इसका कंपैरिजन करें 90 डिग्री लेग प्रेस से। तो कहने के लिए चौड़ में हो जाता है कि लेग प्रेस पे 200 किलो मार के आ रहा हूँ, नहीं, असली वज़न होता है स्मिथ मशीन पे भी। कैसी स्मिथ मशीन है उस पर निर्भर करता है कि आप वेट कितना एक्सपीरियंस कर रहे हो। असली वेट जो है वो बारबेल स्क्वाट जो आप करते हो ना, उसमें रियल वेट आप एक्सपीरियंस करते हो, लेकिन इट इज़ नॉट अबाउट वेट, वी आर नॉट पावर लिफ्टर्स, हम बॉडी बिल्डर हैं, हम हाइपरट्रॉफी के लिए काम कर रहे हैं। तो ये और स्मिथ मशीन स्क्वाट या फिर हैक स्क्वाट बेटर ऑप्शन हो जाता है। वेट ज़्यादा उठाना कभी भी आपका गोल होना नहीं चाहिए, अगर आप एक बॉडी बिल्डर हैं तो। अपनी बॉडी को एक आई प्लीजिंग बॉडी बनाना चाहते हो, एस्थेटिकली प्लीजिंग बॉडी बनाना चाहते हो, तो यस, मैं लेग प्रेस में 200 किलो मारने जा रहा हूँ। एक बार और लेंगे थोड़ा सा वेट इंक्रीज करके। Thank you.
ड्रॉप से अभी मैं यहाँ पे थोड़ा लाइट वेट से अपने स्मिथ मशीन स्क्वाट्स करूँगा, जिससे मेरे मुझे क्वाड्स को थोड़ा सा और ट्रेन करना है। मैंने बोला था ना एक बार अपने वीडियो में, और काफ़ी बार बोल चुका हूँ कि अगर आपको अपनी किसी मसल पे ज़्यादा काम करना है, मसल इम्बैलेंस है, स्ट्रेंथ इम्बैलेंस है, वहाँ ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी, उसको थोड़ा सा ज़्यादा ट्रेन करना पड़ेगा और बहुत फ्रीक्वेंटली ट्रेन करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने स्मिथ मशीन स्क्वाट अभी चुना है, जिससे मेरे ग्लूट्स भी इंगेज हो जाएंगे और मेरे क्वाड्स भी। तो इससे कोशिश करेंगे 8 से 10 रेप लेने की। प्लेट लाना ले जाना लगाना एक हैसल हो जाता है। मेरा ऐसा हमेशा से सपना रहा है कि कोई बंदा रहे मेरे साथ जब मैं जिम कर रहा हूँ, वो सारे के सारे प्लेटें लगाए, निकाले, रैक करे। अभी मुझे खुद ही करना पड़ता है। उसको बंदा नहीं, उसको नौकर कहते हैं। तो ये लाने ले जाने में काफ़ी कैलोरीज बर्न हो जाती हैं, एडिशनल कैलोरीज बर्न हो जाती हैं, पर क्यों ना उनको बचा के हम मेन एक्सरसाइज में लगाएं। बजरंगबली, जो छेरप मैंने मार दी, तो आज मैं एक लड्डू तो डिजर्व करता हूँ, बूंदी का एक लड्डू। एक और आएगा, एक और। ये कोई लड्डू अड्डू नहीं, एक सूप प्रोटीन ज़्यादा खाएंगे। फूल्ड माई सेल्फ। अभी मैं सोच रहा हूँ कि अपने लोअर बैक को ट्रेन करने के लिए हिप एक्सटेंशन कर लेता हूँ। इस जिम में मैक्स 50 केजी तक के डंबल है। आपके जिम में जो सबसे भारी डंबल है वो कितने किलो का है? 2 सेट और बस। पानी पीते रहो। लोग बोलते हैं कि ड्यूरिंग वर्कआउट पानी पीना चाहिए कि नहीं, पूछते हैं ऐसा सवाल। यस, ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेटेड रहो। जो इंड्योरेंस एथलीट होते हैं वो तो वर्कआउट से पहले अपने प्री वर्कआउट ड्रिंक में नमक ऐड करते हैं, इसीलिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा पसीना निकलता है, बहुत ज़्यादा सोडियम लॉस। Ugh.
अभी मुझे एकदम से रियलाइज हुआ कि मैं 10 रेप और मार सकता हूँ 10 के बाद, पर आप सैम सुलेक नहीं बन सकते नेचुरली तो नहीं। सुनो वो गाने बंद कर दो, कॉपीराइट आ जाए। एक तो वैसे ही व्यूज नहीं आते लॉन्ग फॉर्मेट में। अच्छा दिख नहीं रहा हूँ, लोअर बैक पे इतना ज्यादा सोने से, इतनी ज़्यादा सोने सभी से हो गई है कि आज मुझे बहुत सारे काप्स खाने पड़ेंगे, शायद मैं वो दो लड्डू भी खाऊं। लाइंग हैमस्ट्रिंग कर्ल। मैं इसके दो सेट और लूँगा, सुपर सेट में चल रहा है ये और लेग एक्सटेंशन। एक टिप देता हूँ ध्यान से सुनो, लेग एक्सटेंशन में अगर आपको बहुत अच्छे से रेजिस्टेंस क्रिएट करना है तो आपको स्टेबिलिटी ज़्यादा चाहिए, और इन ऑर्डर टू इंक्रीज स्टेबिलिटी, ये तो ऑलरेडी मशीन है, स्टेबिलिटी तो है ही ऑलरेडी, बट स्टिल आपकी बॉडी की कम से कम मूवमेंट हो, सिर्फ ये पार्ट आपका मूव हो, और उसके लिए आप क्या करो, पूरी ताकत के साथ यहाँ पकड़ो और खुद को नीचे प्रेस करो, इट्स लाइक यू आर लिफ्टिंग अ बकेट, नीचे खुद को प्रेस करो। गॉड्स तो ये है टो रेजर्स। इसके बाद एक एक्सरसाइज एब्डोमिनल मसल्स, उसके बाद वी आर डन। यह पिट भी अलिस इंटीरियर को ट्रेन करता है, और वॉक करने में, ज़्यादा रनिंग करने में जिनको शिन पेन होता है उनको ये ऐड करना चाहिए, ये बहुत सही एक्सरसाइज है। मैं रेप्स भूल गया, चलो 6 मान लेता हूँ, 12। यहाँ पर रेंज ऑफ मोशन कम आती है, पर क्या करें, फुल रेंज ऑफ मोशन में पॉसिबल नहीं हो पाएगा ट्रेन करना, लेकिन अगर आप कम रेंज में भी टिल फेलियर जा रहे हो तो आपके दोनों ही ग्रुप ऑफ मसल, दोनों ही टाइप ऑफ मसल फाइबर फास्ट ट्विच स्लो ट्विच इंगेज हो जाते हैं। 6 रशियन ट्विस्ट 60 सेकेंड्स के अराउंड। वापस से स्मिथ मशीन, ये वेरिएशन मुझे सबसे सही लगती है। आपके जिम में अगर स्टैंडिंग काफ रेजेस नहीं है, स्मिथ मशीन से उसको सब्स्टिट्यूट करो, बहुत आनंद आ जाएगा।
पाँच बड़ो सालों दिखता हूँ कैसे नहीं बढ़ोगे। इनफ चोट पहुँचाई है। एक बार और पाँच रेप और परसों आएगा क्योंकि अब नंबर हाँ चलो भैया अगर आप अभी तक मेरा ब्लॉग देख रहे हैं तो आप मेरे सच्चे फॉलोअर हैं और आप जो एक्सरसाइज करने जा रहा हूँ मैं ये टफेस्ट एक्सरसाइज है इस पूरे वर्कआउट की जितनी भी की है अभी क्योंकि ये बॉडी वेट एक्सरसाइज है। इसका नाम पता क्या है? मैरी कैथरीन लंजेस, बेसिकली प्लायोमेट्रिक लंजेस। अरे यार अल्फाज का गाना लग गया, रो रो के गुजारदा है दिल। कोई सही सा गाना ही नहीं आएगा अब। आ गया भगत सिंह का। इसको करेंगे हम मरने तक। ये जो कर लिया आपने तो हो गया आपका कॉर्ड पूरी तरीके से ख़त्म। ग्लूट्स, कॉर्ड, सब पूरी बॉडी इंगेज हो जाती है। चलो घर। सो द बेस्ट ड्रिंक विच यू कैन ड्रिंक इन योर पोस्ट वर्कआउट ड्रिंक, अरे तो कविता बन गई, इज दिस। क्या है ये पता है? दिस इज वाटर। वाटर कुछ नहीं मिल रहा है आपकी बॉडी को अगर वर्कआउट के बाद, तो एटलीस्ट हाइड्रेशन मिलना चाहिए आपके मसल्स को तुरंत बाद। क्रिएटिन भी तो ये काम करता है मसल्स तक पानी पहुंचाने का। कुछ भी नहीं है ना तो अच्छा खासा ढेर सारा पानी पी लो वर्कआउट के तुरंत बाद, थोड़ी सी आपकी भूख सप्रेस हो जाएगी, आपको घर तक जिंदा रखेगी, घर पे जाके टूट पड़ना। लेकिन जिम से निकलते ही अगर आप कहीं मार्केट जा रहे हो और हेल्दी के नाम पे अगर आपने सोया चाप चाप दिया या फिर अंडा चाप या फिर चिकन जो भी चाप जितने भी चप चप आते हैं तो वो समस्या है रे भाई।